वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैं कितना जल्दी इसे बना रहा हूँ और आप भी इसे कितना जल्दी बना सकते हैं। सो ये लगभग 2-3 मिनट के अंदर बन जाएगा और आप चाहे तो एग्ज़ाम में इसे अच्छी तरह से बना के मार्क्स उठा सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या और कैसे आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आप इसे एग्ज़ाम में आसानी से बना सके। मैंने आगे इसलिए इसे दिखाया ताकि आपको मुझ पर और मेरे इस तरीके पर भरोसा हो जाए आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप आसानी से ह्यूमन हर्ट बना सकते हैं इजीली, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि मैंने इसमें कुछ नहीं आगे से बना के रखा। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक ओवल कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 0.7 का मैक्टिकल पेंसिल। एक ओवल ड्रॉ करने के बाद हम लोग फिर से और एक ओवल ड्रॉ करेंगे यहाँ से। मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट दे के दिखा रहा हूँ। कुछ यहाँ से हम लोग कुछ इस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे ओवल को ड्रॉ करने के लिए, और उसके बाद करने के बाद हम लोग फिर से उसे ज्वाइन कर देंगे और ये एक ओवल क्रिएट हो जाएगा। सो मैंने इस वीडियो को एक थोड़ा भी फास्ट नहीं किया, आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया हूँ कुछ इस तरह से, और ये बहुत ही आसान है। उसके बाद हम लोग दूसरे साइड फिर से कुछ इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसे ज्वाइन करेंगे नीचे की ओर, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद हम लोग इसे नीचे की ओर ज्वाइन कर लेंगे। मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा देन प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सके आपके फ्रेंड्स भी। सो उसे शेयर कीजिएगा। सो उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, बोथ साइड ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इरेजर और इरेज कर लेंगे ये सब लाइन को। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे और एक लाइन, एंड देन इस साइड भी हम लोग कुछ इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। मैं आपको बता दूँ कि मैं भी अभी क्लास 10 में हूँ और मैंने ढेर सारे ड्राइंग वीडियोस इस चैनल पे अपलोड किया, जैसे हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन ब्रेन, हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन आई, इस टाइप के आपको वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने वहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया है। उसके बाद हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ भी कुछ इस तरह से। सो हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहीं तक हम लोग ड्रॉ करेंगे, आप देख सकते हैं दोनों के बराबर में। फिर से हम लोग यहाँ पर और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसा ही होना चाहिए लाइन, और फिर से और एक लाइन ड्रॉ करके उसे मोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से। एंड देन हम लोग इरेज करेंगे इसके बीच वाले पार्ट्स को कुछ इस तरह से। बीच वाले लाइन को इरेज करने के बाद हम लोग नीचे से और एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ज्वाइन करेंगे उसे कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। यहाँ तक ले जाने के बाद हम लोग यहाँ से इसे ज्वाइन कर लेंगे। फिर से हम लोग इस साइड से भी इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे कुछ इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग दूसरे साइड भी कुछ इसी तरह से ड्रॉ करेंगे इस लाइन के सीध में। इस लाइन के सीध में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद मैं एक कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इरेज करेंगे एओर्टा और वेना कावा के लिए, कुछ इस तरह से दो साइड में इरेज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक लाइन इसके सीध में, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की ओर। उसके बाद फिर इधर से और एक लाइन। उसके बाद हम लोग यहाँ से वेना कावा ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, इसे ऊपर की ओर ले जाएंगे। उसके बाद ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे नीचे की ओर ज्वाइन कर लेंगे। सो इजीली से हम लोग यहाँ पे वेना कावा बना लेंगे कुछ इस तरह से। सो आप इसे रफ कॉपी में एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करें। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसे वाइट रफ कॉपी ले और उसमें 3-4 बार एटलीस्ट प्रैक्टिस कर ले, ताकि आपको फुल मार्क्स अचीव हो सके एग्ज़ाम में 5 आउट ऑफ 5।
और आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप इसे पॉज करके स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ इजीली बना सकते हैं। ये आइडिया मैंने खुद से ढूंढा है, सो प्लीज़ कमेंट करना ना भूले कि ये आइडिया आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है दैन प्लीज़ लाइक करना ना भूले, क्योंकि इससे हमारे इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आपका। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके कुछ इस तरह से ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को प्रोड्यूस करेंगे हम लोग कुछ इस तरह से ऊपर की ओर। उसके बाद हम लोग इस लाइन को भी ऊपर की ओर कुछ इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, बढ़ाएंगे। सो हम लोगों ने इस डायग्राम को लगभग कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कहीं भी कोई सुझाव या सवाल हो तो देन प्लीज़ कमेंट करें नीचे। उसके बाद हम लोग राइट वेंट्रिकल में जो लाइंस हैं उसको ड्रॉ करेंगे यहाँ से कुछ इस तरह से। मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा भी फास्ट नहीं किया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके और आप इसे स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ इजीली बना सके, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा भी फास्ट नहीं किया। सो उसके बाद हम लोग लेफ़्ट वेंट्रिकल में लाइंस जो है उसे ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। सो ये सब लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं यूज़ करूँगा ब्लू और रेड पेन, स्पेशली हाईलाइट करने के लिए कि ब्लड सर्कुलेशन एरोज़ किस तरफ से किधर जा रहा है। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज़ कर रहा हूँ ब्लू पेन और हाईलाइट कर रहा हूँ कि ब्लड सर्कुलेशन किधर जा रहा है। सो आप इसे पेंसिल यूज़ करके भी ड्रॉ कर सकते हैं एग्ज़ाम में। मैं स्पेशली यहाँ पे ब्लू पेन और रेड पेन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि किधर से किधर एरो जा रहा है। मैं जल्दी ही ढेर सारी वीडियोस जो इम्पॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए ये सब डायग्राम मैं बनाने वाला हूँ। सो प्लीज़ अगर आप इस चैनल में नए हैं देन प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया देन प्लीज़ थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग अस टू अचीव आवर गोल ऑफ 10,000 सब्सक्राइबर। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। आफ्टर ब्लू पेन यूज़ करने के बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे रेड पेन और ड्रॉ करेंगे सभी एरोज़ को जो इस हर्ट में हैं। आप भी चाहे तो एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से एरोज़ ड्रॉ कर सकते हैं, इससे टीचर्स को ज़्यादा देखने में दिक्कत नहीं होगी और वो आसानी से आपको मार्क्स दे सकते हैं। सो एक दो बार ट्राई करके देखें अपने स्कूल में, उसके बाद आप फाइनल एग्ज़ाम में भी ऐसा ही कर सकते हैं अगर टीचर्स आपको परमिशन दे तो। सो हम लोगों ने डायग्राम तो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम लोग इसे लेबल करेंगे ऑल द नेम्स। सो हम लोग यहाँ पे ब्लैक पेन यूज़ करके एरोज़ ड्रॉ कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं ढेर सारे वीडियोस मैं ऐसा ही आपको बनाऊं और दूं देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर मुझे इस वीडियो में 100 लाइक मिल जाए तो मैं ढेर सारे वीडियोस इस तरह से अपलोड करूँगा डायग्राम का, खास करके आपको एग्ज़ाम में जो मदद करेगा। मैंने इस डायग्राम में नेम लेबल को नहीं दिखाया इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस वीडियो को और भी ज़्यादा लंबा किया जाए। सो हम लोगों ने इसे बना के कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये ड्राइंग आपको अच्छी लगी होगी, देन प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें अपने व्यूज़ कि ये तरीका मेरा खुद का आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप ढेर सारे वीडियोज़ पाना चाहते हैं देन प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट टू अचीव फुल मार्क्स। डू योर बेस्ट एंड आई विल सी यू सून। हैव अ गुड डे। Thank you.